असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। समाज को शिक्षित, विकसित, संगठित करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना होगा। तो समाज के किसी भी बंधु को की टांग खींचने के बदले में उसका हाथ खींचो। मेरा बहन, जय बोलिए जयदेश्वर महाराज की, जय बोलिए देवासी समाज की। श्री जयदेश्वर महाराज जी के शरणों में वंदन। सम्मानित मंच, संत सानिध्य, महात्मा गण, यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ सुधीजनों, मातृशक्ति, युवा तरुणाई एवं सभी छोटे बड़े भाई बंधुओं, आप सभी का इस महाकुंभ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। समाज बंधुओं, समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज के किसी भी बंधु को की टांग खींचने के बदले में उसका हाथ खींचो। हाथ खींचोगे तो समाज अपने आप कड़ी से कड़ी के रूप में जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। और समाज को शिक्षित, विकसित, संगठित करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख के सहारे उड़ान भरने में संभव नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी समाज की प्रगति और विकास केवल पुरुषों के सहारे नहीं हो सकता। मैं महाकुंभ के संबंध में ये इतना ही कहना चाहूँगी, जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है, अभी तो नापने के लिए पूरा